अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप्स के बाद अब रोमन की नजर है यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप्स पर। बोला कि नाइट ऑफ चैंपियन में मेरे कंधों में दो नई बल्कि चार टाइटल्स होंगे। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, बीते स्मैकडाउन में लंबे अरसे के बाद ट्राइबल चीफ का रिटर्न हुआ, जहां उन्होंने सोलो सिकोवा के सामने उनके दोनों भाइयों की तगड़ी बेइज्जती की। बोला कि पहले तुम सैमी और मोटू केविन ओवेन से अपने टैग टीम टाइटल्स आ रहे, फिर दो हफ्ते पहले तुमने एक और मैच को मेरे नाम किया और वो मैच भी तुम दोनों ने उन मोटू पतलू से फिर हार गए। इसके बावजूद जे उसो ने फिर से एक मौका मांगा ट्राइबल चीफ से और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने आ कह दी, लेकिन वाइसमैन पॉल हीमन ने जे और जिमी के बजाय ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोवा से कहा कि तुम दोनों जाकर उन दोनों जोकरों से ये टाइटल्स अपने नाम करो। और इसके बाद रोमन रेंस ने बोला कि नाइट ऑफ चैंपियन में यूनिफाइड टैग टीम टाइटल्स जीतकर इसे अपने फैमिली के नाम करूंगा। और ये सब सुनकर जे और जिमी काफ़ी निराश हुए। और दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नाइट ऑफ चैंपियन पेपर यू में ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को हरा कर न्यू यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे या नहीं? हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना।